अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन लीजिए, आज हाजिर है आपके सामने उस फिल्म की मालूमात जो साल 1970 में 121वें नंबर पर रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था पन्नू आकिल। मास्टर फिल्म एंटरप्राइजर के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार कौन थे, ये बात मालूम नहीं हो सकी। इस फिल्म की कहानी रशीद अहमद लाशारी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार एस एम नसीम थे। अक्स बंदी का काम एस ए काका ने अंजाम दिया। सिंधी जुबान की यह फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो कराची में तैयार की गई। अदाकारों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे, क्योंकि हमारे चैनल पे हैं आपके लिए 1948 से लेके अब तक की तमाम पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों की मुकम्मल और मुफस्सल मालूमात, जिनमें शामिल है उन फिल्मों की खूबसूरत कहानियां और उनके दिल फरेब गीत। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और खो जाइए पाकिस्तान के माजी की फिल्मी दुनिया में। ये फिल्म किन अदाकारों पर मुश्तमिल थी, आइए देखते हैं। फिल्म के नुमायां अदाकारों में शहजादी, वसीम, कुर्बान जीलानी, कमाल ईरानी, नाज बेगम, नासिर खान, इसहाक कुरैशी और नरीना शामिल थे। मौसीकी के शोबा में इस फिल्म में कौन कौन से नाम शामिल थे, किस गुलुकार या गुलुकारा ने इस फिल्म के गीत गाए, किस शायर ने उन गीतों की शायरी की और किस मौसीकार ने उसकी धुनें तरतीब दी, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, निगस सीमा, मोहम्मद यूसुफ, रूना लैला, नसीमा शाहीन और सबीना यास्मीन के गाए गानों की शायरी रशीद अहमद लाशारी ने की, जिनका म्यूजिक गुलाम अली ने तरतीब दिया। और नाजरीन आइए अब एक झलक इस फिल्म के गानों पर डालते हैं। पेशे खिदमत हैं इस फिल्म के गीत। नौकर तुझो आना होता रसाई तू, होता रसाई तू, ओ जिए सदाई तू। ये फिल्म भी यकम दिसंबर 1970 बरोज पीर फिल्म त्रई माँ, टका आना पाई, माँ ते माँ, दुनिया मतलब दी और चढ़दा सूरज के साथ ईद उल फित्र के मौका पर पेश की गई। और नाजरीन इसी दिन ढाका में 122 नंबर पर एक बंगला फिल्म तानसेन के नाम से भी रिलीज हुई, जिसमें डायरेक्टर और कैमरामैन रफीकुल बारी चौधरी थे। अदाकारों में अजीम, सुजाता,
खलील, बेबी जमान, फतेह लोहानी और नारायण चक्रवर्ती के नाम मिलते हैं। इसके अलावा इस फिल्म का कोई रिकॉर्ड नहीं। बहरहाल पन्नू आकिल कराची में राहत सिनेमा में रिलीज की गई। बकिया सर्किट के किस सिनेमा में रिलीज हुई ये मालूमात ना होने के बराबर है, लेकिन इस फिल्म ने 20वां औसत दर्जा जरूर हासिल किया, जिससे साबित होता है कि इस फिल्म ने खातिर ख्वाह बिजनेस किया होगा और प्रोड्यूसर का नुकसान होने से बचा लिया होगा। तो ये था फिल्म पन्नू आकिल और बंगला फिल्म तानसेन के मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।